हाय एवरीवन, मेरा नाम है शिवम और स्वागत है आपका इस चैनल में। आपने सोशल मीडिया पे विभिन्न प्रकार के वीगन्स के बारे में सुना होगा, जैसे कि अपोलोजेटिक या पिकमी वीगन। भैया मैं वीगन हूँ, लेकिन प्लीज आप बुरा मत मानो, आपको जो खाना है खाओ। आप बिल्कुल भी गिल्टी फील मत करो कि मैं वीगन हूँ। आपको चिकन खाना, आप मुझे एक काम करो, आप मुझे खा जाओ। नहीं नहीं, आप खा जाओ भैया, बुरा मत मानो बस। या मिलिटेंट वीगन, तू वीगन नहीं है, वीगन नहीं है तू, रुक, वीगन कैसे नहीं है बे? वीगन बन, तुरंत वीगन बन जा। ये सब टर्म तो सोशल मीडिया में मिल जाता है और लोग अपने एजेंडा को प्रमोट करने के लिए ऐसे डेफिनेशंस यूज करते हैं, लेकिन आज मैं आपके साथ बात करूंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ वीगन्स के बारे में, और वो है अबॉलिशनिस्ट। ये एक अप्रोच है जो कि प्रोफेसर गैरी फ्रांसियन मैं फ्रांसियन बोलूंगा, एनिमल राइट्स लिटरेचर में बहुत लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है, लेकिन किसी के काम से अगर मैं सबसे ज्यादा प्रभावित हूं तो वो प्रोफेसर गैरी जी है। और इनके अबॉलिशनिस्ट अप्रोच ने वीगन मूवमेंट को एक बहुत ही सटीक डायरेक्शन और एक बहुत ही बुलंद आवाज दिया है। तो इसके 6 प्रिंसिपल्स हैं और इनमें से तीसरा और चौथा प्रिंसिपल मेरा फेवरेट है, और जो छठा प्रिंसिपल है वो थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला प्रिंसिपल है, अबॉलिशनिस्ट मेंटेन दैट ऑल सेंटिएंट बीइंग्स, ह्यूमंस और नॉन ह्यूमंस, हैव वन राइट, द बेसिक राइट नॉट टू बी ट्रीटेड एज प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स। इसमें एसेंशियली ये कहा जा रहा है कि अगर किसी भी इंसान या जानवर या किसी को भी अगर हम प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करते हैं तो उस प्रॉपर्टी का मॉरल वैल्यू नहीं होता है। जैसे कि इस पेन का ओनर मैं हूँ, तो इस पेन का कोई मॉरल वैल्यू नहीं है। एंड अगर इसका उल्टा बात करें तो अगर किसी का मॉरल वैल्यू है तो उसको हम प्रॉपर्टी की तरह नहीं ट्रीट कर सकते हैं। इसी के बेसिस पे स्लेवरी को भी मिटाया गया था। आप किसी इंसान को एक स्लेव नहीं बना सकते, आप उनको अपनी प्रॉपर्टी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि उनकी खुद की इंडिविजुअलिटी है और उनका खुद का मॉरल वैल्यू है। एबॉलिशनिस्ट मतलब ही है टू एबॉलिश, यानी कि किसी चीज को जड़ से मिटा देना। एंड एज अ वीगन हम इस सोच को जड़ से मिटाना चाहते हैं कि एनिमल्स जो है वो इंसान की प्रॉपर्टी है। और इसका जो दूसरा प्रिंसिपल है वो ये है कि एबॉलिशनिस्ट मेंटेन दैट आवर रिकॉग्निशन ऑफ दिस वन बेसिक राइट मींस दैट वी मस्ट एबॉलिश एंड नॉट मियरली रेगुलेट इंस्टीट्यूशनलाइज एनिमल एक्सप्लॉयटेशन, एंड दैट एबॉलिशनिस्ट शुड नॉट सपोर्ट वेलफेयर रिफॉर्म कैंपेन्स और सिंगल इशू कैंपेन्स। इसमें ये वेलफेयर रिफॉर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं और ये कहना चाह रहे हैं कि एक वीगन का ऑब्जेक्टिव वेलफेयर रिफॉर्म नहीं होना चाहिए। वेलफेयर रिफॉर्म का एग्जाम्पल होगा कि एक क्रेट में आप 30 चिकन को मत रखो बट 10 चिकन को रखो ताकि वो आराम से रह सके। इसमें आप कहने को तो चिकन की भलाई कर रहे हो, लेकिन फिर भी उनको एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहे हो, जिसका अल्टीमेट काम यही है कि वो इंसान के यूज में, इंसान के सेवन में आए। सिंगल इशू कैंपेन क्या होता है, जहां पे आप अगेन टोटल एनिमल लिबरेशन की बात नहीं कर रहे हो, आप उस सोच की बात नहीं कर रहे हो कि एनिमल्स को एक प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट मत करो, उनको एक इंडिविजुअल की तरह ट्रीट करो, बल्कि आप एक बहुत स्पेसिफिक इशू पे बात कर रहे हो। इसका बहुत ही सही एग्जांपल है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, और वो है गौ रक्षा का। गौ रक्षक जो होते हैं वो इंडियन ब्रीड गाय को बचाते हैं, और सिर्फ गौ हत्या से। उनको मिल्किंग इंडस्ट्री से कोई दिक्कत नहीं है, उनको बस ये चाहिए कि लास्ट में गाय को ना मारा जाए, और उसका रीजन गाय से ज्यादा वो अपने रिलीजियस बिलीफ है। एंड ऑफकोर्स एक वीगन भी गौ हत्या के खिलाफ है, लेकिन वीगन सिर्फ गौ हत्या के खिलाफ नहीं है, वीगन एक भैंस के हत्या के खिलाफ भी है। वीगन ये भी नहीं चाहता है कि गाय और भैंस को परेशान किया जाए उनके दूध के लिए। एक वीगन यही भावना रखता है मुर्गे, बकरी और हर प्रकार के जानवर के लिए। इनफैक्ट इंडिया में ये बहुत ही कॉमन एंटी वीगन आर्ग्यूमेंट है, जहां पे वीगन्स को गौ रक्षक के साथ इक्वेट किया जाता है, और इसके ऊपर मैंने एक बहुत ही डिटेल वीडियो बनाया जिसका लिंक शायद यहाँ पे कहीं आ रहा होगा, आप उसको जरूर चेकआउट करिएगा। तीसरा जो प्रिंसिपल है, एबॉलिशनिस्ट मेंटेन दैट वीगनिज्म इज अ मॉरल बेसलाइन एंड दैट क्रिएटिव नॉन वायलेंट एजुकेशन मस्ट बी द कॉर्नर स्टोन ऑफ रैशनल एनिमल राइट्स एडवोकेसी। इसका मतलब सिंपल भाषा में ये है कि या तो आप वीगन हो या तो आप एनिमल अब्यूजर हो, कोई तीसरा चॉइस नहीं है, और इस लिहाजे से वीगन एक मॉरल इम्पेरेटिव है, यानी कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अपने साइड से इंटेंशनली किसी जानवर पे क्रुएल्टी ना करें। या इसको उल्टा करके बोले कि अगर हम वीगन नहीं है तो हम कॉन्शियसली पार्टिसिपेट करते हैं एनिमल क्रुएल्टी में। अगर आप ये मानते हो कि किसी भी जानवर का मॉरल वैल्यू है, तो एक ऑनेस्ट लॉजिकल कंक्लूजन यही निकलता है कि हमें वीगन होना चाहिए। और ये मेरा फेवरेट प्रिंसिपल इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे वीगनिज्म को एक जस्टिस मूवमेंट की तरह देखा जा रहा है, जहाँ पे हम ये मान रहे हैं कि एक नॉन वीगन होना मतलब हम अपने साइड से डायरेक्टली और कॉन्शियसली जानवरों के ऊपर
अन्याय कर रहे हैं, एंड उस अन्याय को रोकना ही वीगन मूवमेंट है। एंड यहाँ पे एक बहुत ही महीन बात बोलना चाहूंगा कि लोग बोलते हैं कि वीगनिज्म इज अबाउट कंपैशन, वीगनिज्म जानवरों के प्रति प्यार है, लेकिन ऐसा नहीं है। वीगनिज्म जानवरों के लिए एक सामाजिक न्याय आंदोलन है। फर्क नहीं पड़ता है कि आपको जानवर से प्यार है कि नहीं है, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आपको वीगन होना चाहिए। चौथा जो प्रिंसिपल है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, द अबॉलिशनिस्ट अप्रोच लिंक्स द स्टेटस ऑफ नॉन ह्यूमन एनिमल्स विथ सेंटियंस अलोन एंड नॉट एनी अदर कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑल सेंटियंट बीइंग्स आर इक्वल फॉर द पर्पस ऑफ नॉट बीइंग यूज्ड एक्सक्लूसिवली एज अ रिसोर्स। इसमें हम ये बोल रहे हैं कि अगर किसी में सेंटियंस है तो उसमें मॉरल वैल्यू है, और अगर किसी में मॉरल वैल्यू है तो उसको हम रिसोर्स की तरह नहीं यूज कर सकते हैं। अब समझते हैं सेंटियंस क्या है। सेंटियंस एक कैरेक्टरिस्टिक से एक विशेषता है जो जानवर और इंसान में कॉमन है कि दोनों ही संवेदनशील है, दोनों को ही अपने प्रेजेंस का अवेयरनेस है, यानी कि दोनों ही जागरूक है अपने बारे में, अपने एनवायरमेंट के बारे में, और सबसे जरूरी कि दोनों में दर्द को महसूस करने की क्षमता है। और अगर किसी भी प्राणी में ये क्षमता है तो उसका मॉरल वैल्यू है, और उसको हम एज अ रिसोर्स की तरह नहीं ट्रीट कर सकते हैं। चाहे हम उसको अपनी माता भी मानते हो, लेकिन फिर भी हम उसे एज अ रिसोर्स की तरह नहीं ट्रीट कर सकते, उसे एज अ मिल्किंग मशीन की तरह नहीं ट्रीट कर सकते, उसको अपने सेवन के लिए नहीं खा सकते हैं, उसको अपने रिलीजन के सैक्रिफाइस के लिए नहीं यूज कर सकते हैं। और इसमें जो ये लाइन कही है कि नॉट एनी अदर कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका मतलब ये कि बहुत बार लोग बोलते हैं कि यार जानवर में दिमाग नहीं होता है तो इसके लिए वो हमसे नीचे है। नीचे जरूर होगा, दो इंसान को भी आप कंपेयर करोगे तो उनमें भी एक का इंटेलिजेंस दूसरे से ज्यादा होगा, किसी में कुछ खूबी होगी, किसी में कुछ खूबी होगी, और उन खूबियों के बेसिस पे उनको समाज में अलग अलग दर्जा दिया जाता है, उनको समाज में अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन दोनों बराबर है। एंड एक्चुअल में जो लोग वायलेंट होते हैं, जो लोग क्रिमिनल होते हैं, वो यही थॉट प्रोसेस से आते हैं कि हम ज्यादा शक्तिशाली है सामने वाले से, हम ज्यादा स्ट्रांग है, इसके लिए हम उनके ऊपर अत्याचार कर सकते हैं। किसी को भी एक्सप्लॉयट करने के पर्पस से स्ट्रेंथ हुआ, इंटेलिजेंस हुआ, ये सारे पॉइंट्स इररेलेवेंट है। और इसी से जुड़ा हुआ है पांचवा प्रिंसिपल, दैट अबॉलिशनिस्ट रिजेक्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन डिस्क्रिमिनेशन इंक्लूडिंग रेसिज्म, सेक्सिज्म, हेटरोसेक्सिज्म, एजिज्म, एबलिज्म, क्लासिज्म, जस्ट एज दे रिजेक्ट स्पीशीजिज्म। प्रजाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव करने को स्पीशीजिज्म कहते हैं, और वीगन्स स्पीशीजिज्म को रिजेक्ट करते हैं क्योंकि प्रजाति एक इररेलीवेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी के साथ भेदभाव करने या किसी को एक्सप्लॉयट करने के लिए। एंड इसी थॉट प्रोसेस से रेसिज्म, किसी की फैमिली हिस्ट्री या फिर किसी के स्किन का कलर, या फिर इंडिया में जैसे कास्टिज्म, ये सब इररेलीवेंट है फ्रॉम द पर्पस ऑफ एक्सप्लॉयटिंग समवन एल्स, फ्रॉम द पर्पस ऑफ डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट समवन एल्स। तो एज अ वीगन जो कि एक अबॉलिशनिस्ट अप्रोच को मानता है, वो स्पीशीजिज्म को रिजेक्ट करता है, लाइकवाइज वो हर प्रकार के ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन, ह्यूमन डिस्क्रिमिनेशन को भी रिजेक्ट करेगा। सिक्स्थ प्रिंसिपल है, अबॉलिशनिस्ट रिकॉग्नाइज द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस एज अ कोर प्रिंसिपल ऑफ द एनिमल राइट्स मूवमेंट। इसमें ये कहा जा रहा है कि वीगनिज्म इज द अल्टीमेट स्टांस ऑफ पीस, और वो मूवमेंट ही जो पीस के लिए बना है, उसमें वायलेंस की कोई जगह नहीं है। एंड मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है क्योंकि दे आर ग्रुप्स लाइक एनिमल लिबरेशन फ्रंट जो कि लीगल भाषा में जो करते हैं वो वायलेंस में कैटेगराइज होगा, लेकिन उन्होंने जो काम किया है उस काम के चलते भी एनिमल राइट्स मूवमेंट काफ़ी स्ट्रांग हुआ है। लेकिन ये थोड़ा अलग टॉपिक है और इसके ऊपर मैं किसी और दिन वीडियो बनाऊंगा जब मैं एनिमल लिबरेशन फ्रंट के बारे में आपके साथ डिटेल में डिस्कशन करूंगा। लेकिन आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि एनिमल राइट्स मूवमेंट में वायलेंस की जगह है कि नहीं है। तो दोस्तों ये था अबॉलिशनिस्ट प्रिंसिपल। मैं स्क्रीन पे सारे प्रिंसिपल एक साथ फिर से लिख दे रहा हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जनरली मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे वीडियोज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉन वीगन्स के साथ शेयर करें, इसको भी करिएगा, लेकिन आज मैं ये भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस वीडियो को वीगन्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनका नॉलेज भी इस प्रिंसिपल के ऊपर बढ़े और वो भी अपना एक्टिविज्म को और अच्छे से इम्प्रूव कर सके। एंड अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है और आपको वैल्यू मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो में कमेंट भी कर दें। एंड कुछ भी कमेंट करिए, थोड़ा सेंसिबल करिएगा, लेकिन ऐसा करने से कुछ तो एल्गोरिथम का गेम है जिससे कि यूट्यूब समझता है कि ये वीडियो थोड़ा ठीक ठाक सा है और बाकी लोगों तक भी पुश करता है। एंड इस चैनल का ऑब्जेक्टिव यही है कि नॉन वीगन्स तक वीगनिज्म की आवाज़ को पहुँचाना। थैंक यू सो मच। इस चैनल में मैं एनिमल राइट्स लिटरेचर और अपनी खुद की वीगन फिटनेस जर्नी पे मैं वीडियो बनाता हूँ। एंड अंटिल वी मीट अगेन, दिस इज शिवम साइनिंग आउट। नमस्ते।